एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ चीन के साथ रूस में बैठक चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत को फिर युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। पैंगोंग से भारत पीछे नहीं हटा तो जंग होगी, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। सर्दियों में जंग के लिए भारतीय फौज तैयार रहे, ये ग्लोबल टाइम्स में कहा जा रहा है, जिसका मैं थोड़ी देर पहले भी अभी जिक्र कर रहा था कि पांच सूत्री फॉर्मूला जो है उसमें कही बातें आप चीन की तरफ से देख लीजिए, उसमें मानी गई बातें चीन की तरफ से देख लीजिए, और जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है वो देख लीजिए, बिल्कुल अलग बिल्कुल जुदा बातें। सर्दियों में भारतीय फौज पैंगोंग में टिक नहीं पाएगी, ये कहा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स में। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन की ये धमकी भारतीय फौज को नजर आई है। सीधे एलएसी का हम रुख कर लेते हैं। अब अभिषेक उपाध्याय मौजूद है हमारे साथ। अभिषेक, ग्लोबल टाइम्स एक बार फिर गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है कि पैंगोंग इलाके में सर्दियों में टिक नहीं पाएगी भारतीय फौज, जबकि ये कहते हुए वो हकीकत जाहिर कर रहे हैं अपनी फौज की, अपने जवानों की, कि उनकी हिम्मत नहीं है सर्दियों में वहां टिकने की। देखिए, ये कहते हुए वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि भारतीय फौज यहाँ पर पूरी तरह से साजो सामान के साथ तैयार है, ये उनको जानकारी है, वो इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। पुष्टि करने का तरीका अलग है, उनको ये मालूम है कि जो हाइट्स हैं पैंगोंग सो के साउथ में वो भारतीय फौजों ने पकड़ ली है, वो हाइट्स पूरी रिज लाइन पकड़ ली है, और हमारे इन्फेंट्री कॉम्बेट व्हीकल जो है, जो फ्रंट लाइन टैंक है, वो भी वहां पहुंच चुके हैं, ये भी उनको जानकारी है। जो उनके पास 50,000 का ट्रूप उन्होंने इकट्ठा किया है, उसका भी मेरा डिप्लॉयमेंट यहाँ किया जा रहा है, उतनी संख्या यहां भी लगभग होने वाली है, और तेजी के साथ में मैं रोज देख रहा हूं लद्दाख में तेजी के साथ में साजो सामान पहुंचाया जा रहा है, तो उनको ये अच्छी तरह से आइडिया है, जिसे कहते हैं लॉन्ग हॉल, यानी कि लंबे समय तक अगर आप कोई इस तरह के विवाद या इस तरह का बवाल करते हैं तो उस लंबे समय के लिए भारतीय सेना तैयार। उनको ये पता है, उनको ये पता है कि यहां की हाइट्स पर हम ज्यादा एक्लिमेटाइज हैं, उनको ये पता है कि माउंटेन वारफेयर में उन पे हम बहुत भारी पड़ेंगे, सब उनको पता है। ये सब पता होने के बाद ये बयान जो उनका है, इसको जरा रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हम अपनी पोजीशन में बहुत ही मजबूती से डटे हुए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।